हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे 2 जून 2020 और 2 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ग्लोबल ऑफ पेरेंट्स डे कब मनाया गया। तो अभी ग्लोबल ऑफ पेरेंट्स डे 1 जून को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ग्लोबल ऑफ पेरेंट्स डे ये मनाया क्यों जाता है? विश्व भर में जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल ऑफ पेरेंट्स डे मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। अब बात आती है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यहाँ से ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और इसका हेड न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे हेड है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन के कितने कंट्रीज मेंबर है? तो 193 कंट्रीज मेंबर हैं। और अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया, 29 मई को एवरेस्ट डे मनाया गया और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर नाम का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने लोगों में दूरी बनाने में मदद करने के लिए सोडर नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है गूगल की, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया कहाँ है? USA में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़, ये है मैप में छत्तीसगढ़ जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ का चीफ जस्टिस कौन है? तो छत्तीसगढ़ का चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन है। कौन है? PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी अनीता कोठवानी को कैरेट इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे वॉट आर द कैरेट इंडिया, ये क्या है? तो कैरेट इंडिया यह एक मीडिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में IIFCL के नए MD कौन बने हैं? तो अभी IIFCL के नए MD PR जयशंकर बने हैं। कौन बने हैं? PR जयशंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक वर्ड आता है IIFCL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। क्या होती है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो थियरी डेलापोर्ट ये विप्रो के नए MD एंड CEO बनी। मार्कोस ट्रायोजो ये NDB के नए हेड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो अभी अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ मनोज पांडे बने हैं। कौन बने हैं? मनोज पांडे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात आती है अंडमान और निकोबार की, तो मैप में देखते हैं अंडमान निकोबार कहाँ है।
यह मैप में अंडमान निकोबार, यह मैप में अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में COVID-19 मरीजों के लिए 1,00,000 बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो अभी COVID-19 मरीजों के लिए 1,00,000 बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश ने ही जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किया था और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना था। और आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये दोनों उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो अभी राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये पोर्टल तो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो अभी राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है ai.gov.in। क्या है? ai.gov.in। अच्छा, ये पोर्टल अब रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। तो रविशंकर प्रसाद ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे कानून मंत्री हैं। कौन है? कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में BCCI ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो अभी BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को नामित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात आती है BCCI की, तो BCCI के बारे में देखते हैं थोड़ा। BCCI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। कौन है? सौरभ गांगुली। और इसके CEO राहुल जौहरी हैं। कौन है? राहुल जौहरी। और इंडिया में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सबको BCCI रेगुलेट कराता है। और पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री हैं और महिला टीम के कोच WV रमण हैं। कौन है? WV रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस बैंक ने DISH TV में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो अभी यस बैंक ने DISH TV में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। अब ये यस बैंक ने खरीदा है, तो यस बैंक के बारे में देखते हैं। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD & CEO प्रशांत कुमार है। कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अभी RBI ने
सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था और अब फिर सिटी बैंक पर भी 4 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। अब ये जुर्माना आरबीआई ने लगाया है, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।